हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सो CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 12 है ना, ठीक है, उसका जो एक्सरसाइज 12.2 का बेसिक्स और इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको समझाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो इसका एक्सरसाइज 12.1 मैंने ऑलरेडी करा रखा है, बेसिक्स भी मैंने उसके समझा रखे हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में जो मेरा हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, दो चीज़ों पर क्वेश्चन आते हैं बेटा पूरे चैप्टर में, सेक्टर और सेगमेंट पर आएगा। ठीक है, सो नंबर वन हम चीज़ें डिस्कस करेंगे आज सेक्टर के बारे में कि व्हाट इज सेक्टर, सेक्टर कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, बच्चे सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने बहुत देखा है। तो सेक्टर सिंपल सी मैं चीज़ बताऊंगा, सेक्टर क्या होगा कि रेडियस के अलोंग कोई चीज़ काटी जा रही है। ठीक है, रेडियस के अलोंग, इतना शॉर्टकट में लिख लो, कॉपी में काम चल जाएगा चीज़ें याद रखने के लिए। अब मैं आपको बाई फिगर समझाता हूँ कि कैसे पता करते हैं। अब आपके पास बेटा एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये उसका सेंटर है, ये टुकड़ा मैंने काट दिया। ठीक है, ये टुकड़ा मैंने काटा, ओके। सो देखो बेटा, ये क्या है मेरा, ये रेडियस है, ये मेरा रेडियस है। एक्चुअली क्या था ना, ये आपके पास एक पिज्ज़ा था, ये आपके पास एक पिज्ज़ा था और ये आपने एक स्लाइस काटी, छोटी सी स्लाइस काटी। ठीक है, तो ये आपका सेक्टर हुआ। सेक्टर क्यों हुआ? आपने रेडियस के अलोंग काटा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो हमने रेडियस के अलोंग स्लाइस काटा है, तो इसे हम सेक्टर बोलेंगे। अब सेक्टर यहाँ पर दो चीज़ें बन गई, कौन सी? एक तो बेटा ये छोटा सा टुकड़ा बना है और ये एक बड़ा सा टुकड़ा बना है। ठीक है ना, तो छोटे वाले टुकड़े को हम बोलते हैं बेटा माइनर सेक्टर, ओके बच्चों, और बड़े वाले टुकड़े को हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जब बेटा हम यहाँ से कुछ कर रहे हैं ना बेटा, तो यहाँ से एंगल क्या हुआ, कुछ एंगल बनेगा इनके बीच में, दोनों रेडियस के बीच में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को मैंने नाम ए दे दिया, इस वाले पॉइंट को नाम मैंने बी दे दिया। अब अगर आपको ये छोटा वाला एरिया कितना है वो पता करना है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। नंबर वन, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसे बेटा याद कर लो, दो चार बार लिखो, दो चार बार बोलो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक, नंबर टू आपका क्या आएगा बेटा, नंबर टू आपका आएगा मेजर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, जब बड़े वाले पिज्ज़ा में से जब इतना वाला पिज्ज़ा तुमने काट के फेंक दिया, तो ये सब बच गया और वही हमें निकालना है, तो क्या क्या लेंगे हम, क्या बोल लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, है कि नहीं बेटा? तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अब कभी कभी क्या होता है ना बेटा, जो ये मेरा आर्क है उसकी लेंथ पूछता है कि इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, ये जो आर्क है ना बेटा ए बी, अब ये आर्क यहाँ तक भी हो सकता है, अगर थीटा मालूम हो तो पता चल जाएगा, वो मैटर नहीं करता। थीटा पता हो और रेडियस पता हो तो आप आर्क लेंथ आराम से निकाल सकते हैं। तो नंबर थर्ड बेटा क्या है बेटा, आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं? सो उसका फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू 2πr। अब ये कैसे सेंस लगेगा कि 2πr लगाना, देखो बेटा ये सर्कमफ्रेंस क्या लॉन्ग चल रहे, तो बेटा सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। यहाँ एरिया की बात चल रही है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। सिंपल सा डिफरेंस है, क्लियर? तीन फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर में, पाँच फॉर्मूले हैं, सेक्टर के तीन फॉर्मूले, सेगमेंट के दो फॉर्मूले। आशा करता हूँ सेक्टर क्या होता है, सेक्टर बेटा जब रेडियस के अलोंग कोई हम चीज़ काट रहे हैं उसे हम सेक्टर बोलेंगे, ये छोटा वाला है तो ये माइनर सेक्टर है, ये बड़ा वाला टुकड़ा है तो इसे मेजर सेक्टर बोलेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मेजर का होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, और आर का लेंथ होता है थीटा बाई 360 इंटू 2πr, दैट्स इट। अब बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो या फिर कॉपी में लिख लो, वो आपकी मर्जी, ओके बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम चल रहे हैं बेटा
अब हम करेंगे सेगमेंट के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज सेगमेंट। आई होप सेक्टर आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये मैंने एक बना दिया। क्या बना दिया? ये सर्कल बना दिया। ठीक है, सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर है। अब कई बच्चे सेगमेंट के बारे में कन्फ्यूजन रहते हैं, तो उसका भी मेरे पास एक ट्रिक है कि आपको कैसे पता लगेगा कि बेटा ये सेगमेंट है। तो सेगमेंट क्या होता है ना, जो चीज़ कोड के अलोंग काटी जाती है। किसके अलोंग बेटा? कोड के अलोंग। एंड आप जानते हैं कोड को हिंदी में क्या बोला जाता है? कोड को हिंदी में बोला जाता है जीवा। क्या बोला जाता है? जीवा। ये जैसे बेटा मैंने यहाँ पर बना दिया कोड, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ये मेरा क्या हो गया बेटा? कोड हो गया, है ना। कि कोड क्या होता है? जो सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस को मीट करे और जो सेंटर से पास ना हो, उसे हम कोड बोलते हैं। तो यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, एक यहाँ पर है बेटा और एक यहाँ पर है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा माइनर माइनर सेगमेंट है। ये मेरा माइनर सेगमेंट है और ये बड़ा वाला पार्ट है, तो इसे हम लिखेंगे मेजर सेगमेंट। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, है ना। अब लॉजिक क्या है, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला कैसे बनाओगे? सो देखो देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ इससे, अगर इसको मीट कर दूँ और इससे इसको मीट कर दूँ, इस वाले पॉइंट का नाम मैंने ए बोला, इस वाले पॉइंट का नाम मैंने बी बोला है। सो बेटा ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है कि नहीं। सो अगर मुझे ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकाल लूँगा कि जब इस स्लाइस में से, ये स्लाइस क्या है बेटा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इस स्लाइस में से जब इस ट्राइंगल को मैं माइनस कर दूंगा, तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, वही तो मुझे चाहिए। ओके, नंबर वन मुझे निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो कि फॉर्मूला होगा बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। स्पेलिंग में क्या लिख दे रहा हूँ? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। उसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो ये वाला जो ट्रायंगल है बेटा, मुझे थीटा पता ही है, ये वाला ट्रायंगल कैसा है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो मुझे माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका होता है बेटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके बेटा, आप इसे लिख लीजिए कॉपी में। नंबर टू, मेजर निकालना है ना, ये तो बड़ा ही आसान है। मेजर सेगमेंट का अगर आपको एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके बेटा, ये चीज़ मैं पहले ही फिगर से समझा चुका हूँ, ठीक है ना। जब इसमें से हम ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, तो ऊपर बच जाएगा सारा, वही मेजर है। ओके, अगर फार्मूला लिखना चाहे, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का ये फॉर्मूला है, उठाकर नीचे रख दो, ठीक है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो बताइए। मेरे ख्याल से तो कोई नहीं होनी चाहिए अब तक। थोड़ा बहुत भी डाउट या दिक्कत है तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ओके बच्चों, अब इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा करवा दूंगा, नॉन वरी, पूरा एक्सरसाइज करवा दूंगा, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है? अनलेस, अगर आपको जब तक बोला ना जाए, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। ओके, क्या बोल रहे? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 cm इफ़ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60°। ओके, सो बेटा हमारे पास ना एक, किसकी बात कर रहा है? सेक्टर की बात कर रहा है, तो मैं फिगर बना के दिखाता हूँ। ये मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, सर्कल ले लिया। अब बेटा यहाँ पर ये इसका सेंटर है, सेक्टर की बात कर रहा है, तो सेक्टर के हिसाब से एक फिगर भी बना देते हैं। सो हमें थीटा क्या दे रखा है बेटा? 60°, और रेडियस हमें क्या दे रखा है? 6 cm, ठीक है। सो गिवन क्या है बेटा? गिवन हमारे पास है जो एंगल थीटा है वो 60° है, एंड जो बेटा रेडियस है, ठीक है, रेडियस आर, वो हमारे पास 6 cm है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन हमें क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस की वैल्यू क्या है 6 × 6, 6 से 6 कैंसिल, ऊपर 22 × 6/7, तो ऊपर आ जाएगा 6 × 12 कैरी 1, 6 × 12 = 13, ठीक है। एरिया है सेंटीमीटर का स्क्वायर लग जाएगा, दैट्स इट आंसर, ठीक है। अगर इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, अब इससे आपसे मेजर सेगमेंट भी पूछ सकता था और मेजर सेक्टर भी पूछ सकता था क्या निकालोगे। तो मेजर सेक्टर क्या होता, सपोज करो वो भी अक्सर पूछ देता, नंबर टू मेजर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो वो क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, और ये चीज़ तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है तो यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी थी बेटा, 6 × 6, ठीक है। तो यहाँ और इधर कितना है, वो इधर है हमारा बेटा 132/7, कैलकुलेट करते हैं। सो 22 × 36/7 और इधर है 132/7, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि जगह कम है, मैं ऊपर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाता है बेटा, दोनों के अपॉन में 7 है तो एलसीएम तो 7 आ जाएगा, जब नीचे सेम रहता है ना ऊपर पर मल्टीप्लाई कर दो, 36 × 22, 2 × 6 = 12, कैरी 1, 2 × 3 = 6 और 1 = 7, यहाँ पर भी वही आ जाएगा 2, 9, 7, 792, ठीक है बेटा। हमारे पास क्या हो जाएगा, 792 यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा 132, माइनस करेंगे 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 7 में से 1 गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आंसर आ जाएगा आपका मेजर सेगमेंट का, ठीक है। अगर आपसे आर्क लेंथ पूछता हूँ, नंबर थर्ड, अगर आर्क लेंथ पूछता है इसमें आर्क लेंथ, तो वो क्या होता है बेटा, थीटा बाई 360 × 2πr, थीटा है 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, 2 भी छोड़ के 2πr ना, और रेडियस है 6 से 6 कैंसिल, 22 × 44 / 7, 2 का मतलब अपॉन, ठीक है। लेंथ पूछा है तो यहीं पर छोड़ना है, सेंटीमीटर स्क्वायर मत लगाना, ठीक है। तो तीनों चीज़ें मैंने निकाल के दिखा दी इस क्वेश्चन की, तो जो भी चीज़ मैंने बताई बेटा, आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, शेयर ज़रूर करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर ज़रूर बताएं। आने वाले वीडियो में एक शॉट में पूरा एक्सरसाइज हम कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। जय हिंद।